हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास टेंथ में पॉलिनोमियल्स चैप्टर में एमसीक्यू प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे। इस चैप्टर पे जो पॉलिनोमियल्स आपका चैप्टर, इस पे एमसीक्यू प्रॉब्लम एग्ज़ाम में किस तरह से पूछी जा सकती हैं, जो कॉन्सेप्ट दिया गया है पॉलिनोमियल का, क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल की कंडीशन को चेक करा रहा है। तो देखो, यहाँ पर पॉलिनोमियल की अगर हम बात करते हैं थी पॉलिनोमियल की अगर हम लोग बात करें तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ ईच टर्म होल नंबर, डिग्री ऑफ ईच टर्म क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ ईच टर्म इज होल नंबर। ओके, डिग्री ऑफ ईच टर्म होल नंबर। इट मीन्स यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे वन बाय वन टर्म, यहाँ डिग्री टू है, यहाँ पे क्या है वन है, बट यहाँ पे क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया। एक्स रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब ये होता है एक्स की पावर हाफ, हाफ क्या है, नॉट अ होल नंबर। ओके, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉट अ पॉलिनोमियल। बी के पास आते हैं तो एक्स की पावर 3/2 है, नॉट अ पॉलिनोमियल। सी में एक्स की पावर ये हाफ है, और यहाँ पे अगर इस टर्म को अगर आप चेंज करोगे तो यहाँ पे रूट एक्स प्लस का एक्स की पावर माइनस हाफ दे सकते हो, तो यहाँ पे हाफ या माइनस हाफ है, तो इसका क्या मतलब, ये भी पॉलिनोमियल कंडीशन को शो नहीं करेगा। अब लास्ट वाला अगर आप लोग ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3√3x प्लस का √6, तो x की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, x की पावर 1 है। तो ये डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, डिग्री ऑफ ईच टर्म होल नंबर है, तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, पॉलिनोमियल अगर कोई भी अल्जेब्रिक फॉर्म में प्रॉब्लम गिवन है, आपसे कह रहा है कि चेक करना है कि इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, तो आपको क्या करना है, डिग्री ऑफ ईच टर्म चेक करना है, अगर ईच टर्म की डिग्री क्या होगी, होल नंबर होगी, तो वो पॉलिनोमियल की कंडीशन को शो कर रहा होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो कंडीशन हमको ही चेक करना है। देखो, यहाँ पे पॉलिनोमियल्स में क्या, डिग्री ऑफ ईच टर्म होल नंबर, यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री क्या है, 1 है, यहाँ पे तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे डिग्री 0 है, यहाँ पे सेकेंड वाला टर्म मतलब ये भी पॉलिनोमियल होगा। ओके, यहाँ पे बी पे आते हैं तो 9x² - 4x + 2, यहाँ पे देखो डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 1 है, ये भी पॉलिनोमियल होगा। एंड सी वाले में डिग्री 3 है, x² है, यहाँ पे x है, ये भी पॉलिनोमियल होगा। तो आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग डी ऑप्शन पे बात करते हैं तो ये एक्स है और 3 ये अपॉन में एक्स है, तो एक्स पावर माइनस 1 है। कुल मिलाकर के यहाँ पे -1 इज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर, नॉट अ पॉलिनोमियल, इसका मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको वो ऑप्शन टिक करना है जो पॉलिनोमियल की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका क्या मतलब, ये क्या हो जाएगा, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर है, यस आर नो। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, दस जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जब जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x - 3 आर। अब इसका क्या मतलब है कि इस पर्टिकुलर जो क्वाड्रेटिक यहाँ पे पॉलिनोमियल दे रखा है, इसका हम लोग फैक्टर करेंगे स्प्लिट द मिडिल टर्म से। तो देखो, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म 3 है, कोफिशियंट ऑफ x² 1 है, 3 बन जाए 3। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या लाना है, मिडिल टर्म लाना है, तो 3 बन जाए 3, मतलब x² - 3x + x - 3। तो एक्स यहाँ से हमने क्या ले लिया, कॉमन, तो x - 3 वन फैक्टर, एंड यहाँ से बेटा क्या हुआ, +1 कॉमन ले लिया, x - 3। ओके, तो 1 ब्रैकेट में x - 3 आ गया, एंड अदर ब्रैकेट में x+1 आ गया, दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो क्या करने वाले हैं कि x - 3 को अगर 0 करेंगे तो x = 3 आ जाएगा, एंड x+1 को 0 करेंगे तो x = क्या आएगा, -1 आएगा। तो आपका यहाँ पे 3n - 1 आ रहा है, तो 3n - 1 कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, दिस इज द सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक का फैक्टर करना है स्प्लिट द मिडिल टर्म से, उसके बाद वहाँ से x की वैल्यू आ जाएंगी, और जो भी वैल्यू आएंगी आफ्टर कैलकुलेशन, वो ऑप्शन में कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। ओके, क्लियर है कि नहीं, यस आर नो, कंफर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। अब ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, x² - √2x - 12। अब देखो यहाँ पे 12 का फैक्टर करना है, 12 का फैक्टर करो कितना आएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12, हमको यहाँ पे क्या लाना है, √2 लाना है। तो सोचो यहाँ पे इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 × √2। ओके, और ये क्या है, 2 × 3 है, तो अब देखो इसको थोड़ा सा लिख सकते हैं 3√2 and 2√2, यह आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, x² - -3√2x + 2√2 - 12, ये हमने यहाँ पे स्प्लिट कर लिया इस फॉर्म में। अब इस फॉर्म में स्प्लिट करने के बाद क्या देखना है, x यहाँ से कॉमन लेंगे तो x - 3√2 आपका दिस आ जाएगा, वन फैक्टर। x अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा। ओके, x यहाँ से अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो यहाँ से ये आ जाएगा x - 3√2, एंड प्लस का यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको कॉमन लेना होगा 2 रूट
टू, देखते हैं कैसे बताते हैं आपको, यहाँ पे सारी चीज़ें सिखाते हैं। ये टू रूट टू एक्स है, 12 को हमने क्या लिखा, देखो 12 को ये लिख लो, तब आपको रियल में फील होगा कि हाँ रियल में कॉमन यहाँ पे दिख रहा है। रूट टू इंटू रूट टू इंटू टू इंटू थ्री, तो देखो यहाँ से बेटा क्या है, टू रूट टू ये और टू रूट टू ये कॉमन हो जाएगा, यस आर नो। तो एक्स यहाँ से था माइनस थ्री रूट टू वन ब्रैकेट एंड प्लस टू रूट टू कॉमन आउट एंड विद इन सेकेंड ब्रैकेट एक्स माइनस टू रूट टू कॉमन, तो दिस इज द थ्री रूट टू। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू सेम दिखनी चाहिए, हमारा मेन पर्पज़ यही होता है जब किसी भी क्वाड्रेटिक का फैक्टर करते हैं तो फर्स्ट ब्रैकेट में जो वैल्यू आती है सेम सेकेंड ब्रैकेट में वो सेम वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सेम वैल्यू आ गई, ओके, उसी के बिहार पर हम लोग यहाँ पे कॉमन वगैरह निकालते हैं। तो x माइनस का थ्री रूट टू ये आपका बाहर आ गया, फिर यहाँ से क्या होता है x प्लस का टू रूट टू ये। तो अगर हम लोग इसको जीरो करेंगे, मतलब x माइनस का थ्री रूट टू इज इक्वल टू जीरो, तो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू थ्री रूट टू आ जाएगा, फर्स्ट वैल्यू आ गई। एंड अगर हम लोग इसको जीरो करेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा, माइनस का टू रूट टू आ जाएगा। तो थ्री रूट टू एंड माइनस टू रूट टू, थ्री रूट टू एंड माइनस टू रूट टू, आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यस आर नो। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो स्प्लिट द मिडिल टर्म से फैक्टर करना है, ओके, स्प्लिट द मिडिल टर्म से फैक्टर करना है। हाँ एक मेथड और है, जैसे मान लो अगर जो ऑप्शन दे रखा है आप वो वैल्यू उठा करके इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुटअप कर दो, है ना, पर्टिकुलर इक्वेशन में पुटअप कर दो। जैसा कि आपको यहाँ पर मैं चेक करके बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स माइनस का ट्वेल्व, ठीक है। अदर मेथड देखिए, यहाँ पे अदर में एक्स स्क्वायर माइनस का रूट टू एक्स माइनस का ट्वेल्व, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस का रूट टू एक्स माइनस का ट्वेल्व, अभी हमारे पास क्वेश्चन है। तो हमने अगर हम लोग ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे बी ऑप्शन लेता हूँ, एक्स की वैल्यू टू आ रही है, मतलब थ्री रूट टू एंड माइनस का टू रूट टू, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल से x की वैल्यू, मतलब अब ऑप्शन कोई भी एट रेंडम सेलेक्ट कर सकते हो, थ्री रूट टू, थ्री रूट टू हमने यहाँ पे लिया और यहाँ पे वैल्यू को पुटअप करा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू थ्री रूट टू, तो यहाँ पे अगर हम लोग पुटअप करेंगे थ्री रूट टू का स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू थ्री रूट टू माइनस का ट्वेल्व, तो यहाँ पे थ्री रूट टू का स्क्वायर क्या आएगा, थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन टू जै एटीन, यहाँ रूट टू इंटू रूट टू टू, टू थ्री जै सिक्स माइनस का ट्वेल्व, तो कुल मिलाकर के क्या जाएगा, यहाँ पर जाएगा एटीन माइनस का एटीन। तो वैल्यू को पुटअप करने पे, वैल्यू को पुटअप करने पे रिजल्ट क्या आ रहा है, जीरो। तो रिजल्ट जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका एक जीरोज होगा, मतलब एक्स इज इक्वल टू कन्फर्म है थ्री रूट टू, तो होगा ही होगा, एक्स इज इक्वल टू कन्फर्म है थ्री रूट टू होगा। तो अगर आप ऑप्शन के पास आओगे तो थ्री रूट टू यहाँ पर मिल रहा है, थ्री रूट टू यहाँ पर मिल रहा है, इसका मतलब आपको ये दोनों ऑप्शन तो चेक नहीं करने वाले हैं, ठीक है। आप ये यहाँ पे ये वैल्यू पुटअप करा के चेक कर सकते हो, ये वैल्यू पुटअप करा के चेक कर सकते हो, अगर दूसरी वैल्यू पुटअप कराने पे भी जीरो आ रहा है तो इसका क्या मतलब, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब चेक करने वाले, तो बेटा एट रैंडम कोई भी वैल्यू हमने, कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं ऑप्शन के थ्रू, फैक्टर नहीं समझ में आ रहा, तो वो वैल्यू को मैंने वहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दे रखा है उसमें पुटअप कर दिया। वो वैल्यू को पुटअप करने के बाद जो आफ्टर कैलकुलेशन रिजल्ट आएगा दैट इज जीरो, जीरो आना चाहिए, ठीक है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? बाकी तो यहाँ पे बेसिक तरीका है कि इसको हम लोग फैक्टर करके ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई ना, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल फोर एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस फाइव रूट टू एक्स माइनस का थ्री आर। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं और डी ऑप्शन भी, नॉन ऑफ दीज भी दे रखा है। तो इसको हम लोग बेसिक तरीके से जिस तरह से फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग सिंपल सा वैसे ही हैंडल करेंगे। हाँ एक तरीका मैंने और बता रखा है, आप हिट एंड ट्रायल से वैल्यू को पुटअप करके चेक कर सकते हैं, ओके। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे क्या जाएगा, फोर थ्री जा ट्वेल्व, तो ट्वेल्व आ गया, ओके। अब ट्वेल्व को अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो टू टू जा फोर थ्री जा ट्वेल्व, एक्चुअल में यहाँ पे मिडिल में रूट टू आ रहा है तो रूट टू लाना है, तो यहाँ पे टू को क्या लिखोगे, रूट टू इंटू रूट टू लिखोगे, इंटू क्या होगा, टू इंटू थ्री होगा। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा कि आपको लाना है फाइव, क्या लाना है फाइव, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सिक्स रूट टू इंटू रूट टू, मतलब सिक्स रूट टू यहाँ पे क्या आएगा, सिक्स रूट टू इंटू रूट टू दैट इज ट्वेल्व आएगा, बट प्लस के सिक्स में से रूट टू सब्ट्रैक कर दोगे तो दैट इज आ जाएगा फाइव का रूट टू, ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर प्लस का सिक्स रूट टू एक्स माइनस का रूट टू एक्स माइनस का थ्री। तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले लेंगे, अब देखो फोर है, फोर को थोड़ा सा तोड़ दो, फोर का मतलब क्या है बेटा, टू रूट टू, सॉरी टू इंटू टू, और टू को लिख सकते हैं रूट टू इंटू टू, तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं टू इंटू रूट टू इंटू रूट टू एंड प्लस का सिक्स रूट टू एक्स माइनस का रूट टू एक्स माइनस का थ्री। फाइनली यहाँ से क्या जाएगा, हम लोग कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले सकते हैं, टू रूट टू कॉमन ले सकते हैं, एंड एक्स तो कॉमन होगा ही होगा, एंड एक्स भी कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, रूट टू एक्स
एंड यहाँ से टू रूट टू तो निकल गया, तो यहाँ से टू थ्री क्या बचेगा, तो थ्री आ जाएगा। माइनस वन कॉमन ले लिया तो रूट टू एक्स प्लस का थ्री आ गया। तो वन फैक्टर इज दिस, तो रूट टू एक्स प्लस का थ्री वन फैक्टर एंड टू रूट टू एक्स माइनस का वन अदर फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे दो फैक्टर आ गए। अब इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ये हम लोग को देखना है, इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। देखिए यहाँ पे पहली बात तो इसको थोड़ा सा हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम लोग इस टर्म को जीरो कर देंगे, मतलब रूट टू एक्स प्लस का थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से बेटा क्या जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस का थ्री अपान रूट टू आ जाएगा, ओके। एंड अगर इस पर्टिकुलर टर्म को जीरो करते हैं तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा वन अपान टू रूट टू आ जाएगा, वन अपान टू रूट टू आ जाएगा। तो एक्स की दो वैल्यूज आ रही हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे ऑप्शन को चेक करते हैं कि क्या रहा है, क्या कोई ऑप्शन माइनस थ्री अपान रूट टू या एक्स इक्वल टू वन अपान रूट टू को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, माइनस थ्री अपान रूट टू माइनस का थ्री अपान रूट टू कोई नहीं दिख रहा है, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, वन अपान टू रूट टू नहीं दिख रहा है। लेकिन एक्चुअल में समझिएगा बात को, यहाँ पे अगर हम लोग ये फर्स्ट वाले टर्म को ऑप्शन में डायरेक्टली कोई नहीं दिख रहा है, अगर इसको हम लोग टू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, समझो बेटा, अगर इसको हम लोग टू से क्या कर दें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, जैसे ही इसको हम लोग टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू थ्री इंटू टू से मैंने मल्टीप्लाई किया, रूट टू से मल्टीप्लाई किया और रूट टू से डिवाइड किया, तो रूट टू इंटू रूट टू। तो फाइनली थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के बाद थ्री रूट टू अपान टू आ गया, क्योंकि रूट टू इंटू रूट टू टू आएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग वही काम कर दें, एक्स इज इक्वल टू टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, सॉरी रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो कुल मिला के क्या आएगा, रूट टू और टू इंटू रूट टू इंटू रूट टू, तो कुल मिला करके आ जाएगा रूट टू अपान रूट टू इंटू रूट टू टू, तो दिस इज द रूट टू अपान फोर। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या कोई इसके अकॉर्डिंग कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आपको दिख रहा होगा कि हाँ सर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब फैक्टर करने के बाद भी ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे रेशनलाइजेशन को भी ध्यान देंगे कि हाँ, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में जब भी रूट के फॉर्म में कोई चीज़ वैल्यू आ जाती है तो ऑप्शन के थ्रू भी जाना है कि हमने कैलकुलेट तो कर लिया, क्या जो ऑप्शन में दे रखा है वो ऐसा मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो डायरेक्टली मैच नहीं हो रहा था, स्प्लिट द मिड टर्म से फैक्टर करने के बाद डायरेक्ट मैच नहीं हो रहा था, हमने उसको मैच कराया, ओके। बात समझ में आ गई ना, कन्फर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर। अब देखो यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ पे भी क्या करना है, फैक्टर करना है, यहाँ पे भी क्या करना है, फैक्टर करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन को बहुत ही फास्ट करने वाले हैं। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स अपान सिक्स माइनस का टू। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, सिक्स एलसीएम ले लेंगे तो सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस टू आ जाएगा, सिक्स टू जा ट्वेल्व, फैक्टर करेंगे सिक्स इंटू टू ट्वेल्व, ओके। कॉन्स्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर ट्वेल्व, अब ये ट्वेल्व आ गया तो आप समझो बात को, यहाँ पे हमको लाना है x, तो फोर थ्री जा ट्वेल्व प्लस का फोर माइनस का थ्री, तो यहाँ से सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस का फोर एक्स माइनस का थ्री एक्स, फोर एक्स माइनस का थ्री एक्स माइनस का टू अपॉन क्या होगा, दैट इज सिक्स। अब देखो यहाँ से न्यूमरेटर में कॉमन क्या ले लो, न्यूमरेटर में कॉमन ले सकते हो, टू एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, थ्री एक्स प्लस का टू आ जाएगा, एंड यहाँ पे माइनस वन कॉमन ले लिया, थ्री एक्स प्लस का टू आ जाएगा। तो ये हमारा फैक्टर आ जा रहा है, ओके, ये हमारा फैक्टर आ जा रहा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ फैक्टर है, आफ्टर फैक्टराइजेशन थ्री एक्स प्लस का टू आ गया, और यहाँ से क्या आएगा, टू एक्स माइनस का वन आ जाएगा, अपान में क्या होगा, सिक्स होगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग इसको जीरो करते हैं फॉर जीरोज़ के लिए, तो थ्री एक्स प्लस टू को जीरो कर दो, थ्री एक्स प्लस टू को जीरो कर दो, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का टू बाई थ्री आएगी। एंड अगर हम लोग टू एक्स माइनस वन को जीरो कर देंगे तो एक्स इक्वल टू क्या आएगी, हाफ आएगी। तो एक्स इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री एंड एक्स इक्वल टू हाफ, एक्स इक्वल टू माइनस का टू बाई थ्री एंड एक्स इक्वल टू हाफ, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग कोई ऑप्शन दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज द नन ऑफ दीज, ओके। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, क्योंकि माइनस टू बाई थ्री दिख, माइनस टू बाई थ्री है यहाँ पे, और ये क्या है भाई, एक्चुअल में साफ साफ आपको दिख रहा है कि सर यहाँ से जब हमने कॉमन लिया टू, टू एक्स जब कॉमन लिया तो टू थ्री जा एंड टू टू जा फोर, तो यहाँ पे थ्री एक्स प्लस टू आ गया, तो एक्स इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री, एक्स इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री, और आपका यहाँ एक्स इक्वल टू हाफ आ गया, ठीक है। तो कोई ऑप्शन मैच नहीं करे तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, ओके। आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा।
और हिट एंड ट्रायल पे जाओगे तो आपको बार बार वैल्यू को चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस आर नो, कन्फर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल दिस। अब देखो इसका भी यहाँ पे क्या करना है, फैक्टर करना है, इसका भी क्या करना है, फैक्टर करना है। तो 7x² माइनस का 11x अपान में 3 माइनस का 2/3 माइनस का 2/3। तो यहाँ पे क्या करो, 3 एलसीएम ले लो। जब आप 3 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 21x² माइनस का 11x माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे फैक्टर करोगे तो 21 इंटू 2 7 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, हमको लाना 11 है तो 7 × 2 = 14 14 × 3 कितना आएगा, 42 आ जाएगा। बट 14 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो डेट इज़ 11 आ जाएगा। ओके, तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा, 21x² एंड माइनस का 14x प्लस का 3x माइनस का 2 अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में 3 रहेगा। यहाँ से क्या आने वाला है, 21x² तो 21x² में क्या होगा, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे 7x कॉमन हो जाएगा, 3x आ जाएगा, 7 × 2 = 2 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन ले लो, 3x माइनस का 1 आ जाएगा, अपान में क्या होगा, 3 होगा, अपान में क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो 7x प्लस का 1 1 फैक्टर एंड 3x माइनस का 2 3x 7 × 3 = 7 × 2 हाँ 3x माइनस का 2 एंड अदर फैक्टर 3x माइनस का 2 अदर फैक्टर अपान में 7। तो अगर हम लोग यहाँ पे जीरोज़ की बात करते हैं, फॉर जीरोज़, तो जीरोज़ के लिए क्या करना है, जीरोज़ के लिए क्या करना है, आपको फैक्टराइजेशन करना है। तो 7x + 1 को जीरो कर दो बेटा, तो x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का हाफ माइनस का 1/7 आ जाएगा। और यहाँ से क्या जाएगा, अगर इसको जीरो करोगे तो 2/3 आएगा। तो यहाँ पर 2/3 माइनस का 1/7 एंड माइनस का 1/7 ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही फास्ट हम लोग को फैक्टर करना है। ओके, फैक्टराइजेशन के बाद एक बार इसको जीरो करेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 7x = -1 x = -1/7 आ जाएगा। अगर एक बार इसको जीरो करेंगे तो x = 2/3 आ जाएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मतलब कुल मिलाकर के फैक्टर करना है स्प्लिट का मिडिल टर्म से। ओके, क्लियर है बात? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, द सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आर 3 एंड दिस। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सम कितना दे रखा है, अगर मान लो किसी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की जीरोज अल्फा एंड बीटा है तो सम 3 हो गया, और प्रोडक्ट कितना हो गया, अल्फा इंटू बीटा हो गया माइनस का 10। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का फार्मूला क्या है, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 3 है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस का 10। तो कुल मिलाकर के क्या आ गया, x² माइनस का 3x माइनस का 10 आ गया। सम दे रखा था, प्रोडक्ट दे रखा था, वैल्यू को फार्मूले में पुटअप कर दिया, और हमको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, बात समझ आ गई ना, क्लियर है? चलिए, तो मतलब ये फार्मूला बहुत ही यूजफुल फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के फॉर्मेशन का फार्मूला है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस प्लस अल्फा इंटू बीटा, कन्फर्म है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो जीरोज इज 5/3। अब देखो फिर उसी पे बेस्ड है, यहाँ पे सम प्रोडक्ट ना देख करके कह रहा है कि अल्फा की वैल्यू 5 है, बीटा की वैल्यू कितना है, माइनस का 3 है। तो फार्मूला आप क्या लगाओगे, fx = लगाओगे x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 5 माइनस का 3 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा 5 इंटू माइनस का 3। तो फाइनली क्या आएगा, x² माइनस 5 − 3 = 2, तो 2x एंड 5 × 3 = 15 माइनस का 15। तो अब x² माइनस का 2x माइनस का 15 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, x² माइनस का 2x माइनस का 15 सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, दिस इज अ वेरी वेरी यूजफुल फार्मूला, ये बहुत ही यूजफुल फार्मूला है, इसको हमको दिमाग में अच्छे से बिठा लेना है। ओके, क्लियर है कि नहीं? तो इसके पहले वाले में सम या प्रोडक्ट दे रखा था, इस वाले क्वेश्चन में आपको अलग अलग जीरोज दे रखा है। ठीक है, तो आपने अल्फा बीटा की वैल्यू पुट अप कर दिया। बात समझ आ गई ना, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुज जीरोज इज दिस एंड दिस। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुज जीरोज दिस एंड दिस। ओके, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की बात कर रहा है, तो जीरोज अल्फा क्या दे रखा है, सेपरेट जीरोज दे रखा है, अल्फा = 3/5 एंड बीटा = -1/2। यहाँ से क्या होगा, अब आप फार्मूला लगाओगे, fx = x²
माइनस अल्फा प्लस बीटा 3/5 माइनस का 1/2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 3/5 इंटू माइनस का हाफ। अब कैलकुलेशन को बहुत ही फास्ट करना है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे 10 एलसीएम ले लो, 5 टू जा 10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 5 आ जाएगा, ओके। इंटू एक्स यहाँ पे क्या होगा, 3 1 जा 3 अपान 5 टू जा 10, वो भी माइनस का आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो हम लोग ओवरऑल 10 एलसीएम ले लेते हैं। ओवरऑल 10 एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 10 एक्स स्क्वायर यहाँ से बचेगा 6 माइनस का 5 1 बचेगा, तो जिस सीधा एक्स आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। अब देखो ये अपान में 10 अगर हो सकता है ऑप्शन में आपको ऐसे मिल जाए, अगर नहीं मिलेगा तो जो न्यूमिनेटर में लिखा है ये ऐसे मिल सकता है। तो यहाँ से 10 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 3 ऑप्शन में ये भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसा ही कुछ ऑप्शन में हम लोगों को दिख रहा है, 10 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 3, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको फॉर्मूले में, आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुटअप करना है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। एग्ज़ाम में बहुत ही अगर हो सकता है कि सम या प्रोडक्ट दे दिया जाए, अगर मान लो थोड़ा सा अगर सम प्रोडक्ट नहीं देंगे तो अलग अलग जीरो दे देंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जीरोस दे देंगे, तो हम लोग वहाँ से कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। हाँ, कैलकुलेशन आप कितना फास्ट करते हैं आप पर डिपेंड करता है कि सम या डिफरेंस करने के लिए यहाँ पे एलसीएम जो आप ले रहे हैं, ठीक है, बाद में वहाँ पर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिस आर, दो बातें, बहुत पॉजिटिव बहुत नेगेटिव, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव एंड बोथ इक्वल, ठीक है। तो पहली बात तो एक्स स्क्वायर प्लस का ये क्या है, 88 एक्स है प्लस का 125 है, 125 है। तो देखो किसी भी अगर हम लोग बात करते हैं कि जीरोस की बात करें, है ना, किसी भी पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक का जीरोस निकालना होता है तो देखो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब देखो यहाँ पर अगर बी स्क्वायर की बात करें, ये 88 है, तो अगर 88 का स्क्वायर कर दो भाई, अगर आप कंपेयर करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो क्वाड्रेटिक जो पॉलीनोमियल होता है x का स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी होता है, a की वैल्यू 1 हो गई और b की वैल्यू क्या हो गई, 88 हो गई, और c कांस्टेंट टर्म है दैट इज़ 125 आ गया। तो देखो यहाँ पे बी स्क्वायर और ये क्या आ गया, 125, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपका कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, दिस इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स दैट इज़ कोफिशियंट ऑफ एक्स 88 एंड दिस इज द कांस्टेंट टर्म। तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब देखो यहाँ पे बी स्क्वायर निकालिए माइनस का 4ac, माइनस का 4 इंटू ac, ओके, माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, 1 इंटू सी, ये देखते हैं क्या आएगा। तो 88 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 88 का स्क्वायर क्या होगा, 88 का स्क्वायर क्या होगा, 8 जा 64, 8 जा 64, 64 प्लस का 6 कितना आएगा, 70 आ जाएगा, 64 प्लस का 6 70, तो 407 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 ये 4 आ जाएगा, 77 आ जाएगा, ओके। तो कुल मिलाकर 7744 आ जाएगा, माइनस 4 5 20 एंड 4 2 8, 8 प्लस 2 10, और 4 1 4 1 9, तो कुल मिलाकर कि पॉजिटिव आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये ज़्यादा पॉजिटिव आ रहा है। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, पॉजिटिव है, हालांकि जीरो तो आएगा नहीं, डिस्क्रिमिनेंट क्या है यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव है ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ पे बोथ जीरोज क्या आएंगे, बोथ जीरोज आपके क्या आ जाएंगे, मतलब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो बोथ जीरोज रियल तो होंगे ही होंगे, ओके। तो हम लोग जब इसका फैक्टर करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, बोथ बोथ जीरोज, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल ऑल साइन क्या है, प्लस हैं। आप एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 88x प्लस 125, तो इसमें जब हम लोग स्प्लिट द मिडिल टर्म से फैक्टर करेंगे तो निगेटिव टर्म वैसे भी इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है। तो जो फैक्टर आएंगे सारे के सारे फैक्टर प्लस में रहेंगे, और जब उसको जीरो के इक्वल करेंगे तो यहाँ पे बोथ के बोथ जीरोज कैसे आएंगे, निगेटिव आ जाएंगे, ओके। बोथ जीरोज कैसे आएंगे, निगेटिव आएंगे, इक्वल नहीं आ रहा है। अगर इक्वल आए, इक्वल की बात करता तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो आता, डिस्क्रिमिनेंट क्या आता, जीरो आता, लेकिन यहाँ पे इक्वल का केस नहीं आ रहा। अगर मान लो डी इज इक्वल टू जीरो आता तो यहाँ पे इक्वल रूट होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है तो बोथ रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे होंगे, बट बोथ रूट यहाँ पे पॉजिटिव एंड निगेटिव की बात हो रही ना, तो ये बोथ पॉजिटिव ये हो नहीं सकता, बोथ निगेटिव, बोथ जीरोज क्या होंगे, दैट इज निगेटिव होंगे, यस आर नो, क्लियर हो गई बात कि नहीं, कन्फर्म है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, हम लोग ऐसे भी चेक कर सकते थे कि जैसे सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए होता है, माइनस का बी अपॉन ए, तो अगर हम लोग बी और ए की वैल्यू रखेंगे तो हमारा निगेटिव आएगा, ओके। अब दो नंबर को डिवाइड करने पर निगेटिव कभी हो सकता है, दो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो निगेटिव कब हो सकता है, या तो वहाँ पर वो सेम साइन के हों,
है ना, ये तो प्लस प्लस के होंगे या तो माइनस माइनस के होंगे, तो ऐसे हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ से ये बोथ जीरोस कैसे आएंगे, दैट इज नेगेटिव आ जाएंगे। क्लियर है बात कि नहीं? ओके कन्फर्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अल्फा एंड बीटा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, ओके देन द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 8, तो अगर इसका कंपेयर करोगे ax का स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c से, तो a इज इक्वल टू 1 है क्योंकि x का कोफिशियंट ये एक्स स्क्वायर का, एंड b इज इक्वल टू 5 है और c इज इक्वल टू क्या है 8 है। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, बस फार्मूला लगाना, माइनस का b अपॉन a, माइनस तो साइन रहेगा ही रहेगा, b की वैल्यू क्या है 5, a की वैल्यू क्या है 1, माइनस का 5 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। ओके बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन को डिस्कस किया, कन्फ्यूज मत होइएगा भैया, यहाँ पे अगर आल साइन क्या है पॉजिटिव है, आल साइन क्या है पॉजिटिव है, तो जीरोज कैसे होंगे, आप डिस्क्रिमिनेंट एक बार चेक करना पड़ेगा। हालांकि ऐसा कुछ ऑप्शन में है नहीं, अगर सारे के सारे साइन पॉजिटिव होंगे तो वहाँ पर बहुत जीरो हमेशा क्या होंगे, निगेटिव होंगे, ये दिमाग में रखिएगा। अगर आल यहाँ पे सब पॉजिटिव हैं, जितने भी टर्म हैं सब पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो आफ्टर कैलकुलेशन या आफ्टर फैक्टराइजेशन जो एक्स की वैल्यू आएंगी वो निगेटिव आएंगी। क्लियर है बात कि नहीं? यस आर नो कन्फर्म? चलिए ये भी समझ में आपको आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अल्फा एंड बीटा द जीरोज ऑफ द इक्वेशन या दिस पॉलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा इन टू बीटा। ओके तो यहाँ पे देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 2x का स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 9 आ गया। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए होता है। अल्फा इन टू बीटा क्या होता है, अल्फा इन टू बीटा सी अपॉन ए होता है, सी अपॉन ए होता है, ठीक है। तो अगर इस पर्टिकुलर इक्वेशन का कंपैरिजन करोगे एक्स का स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी से, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू 2 आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी, और सी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 9 आएगी। हालांकि हमसे ऑप्शन में अल्फा इन टू बीटा पूछा है, तो सी बाई ए आएगा, तो माइनस का 9 अपॉन ए, ए की वैल्यू कितनी है 2, ए की वैल्यू कितनी है 2, माइनस का 9 अपॉन 2, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको फार्मूले में वैल्यू को पुटअप करना है, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इन टू बीटा या प्रोडक्ट ऑफ द जीरो सी अपॉन ए, तो दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, उसे कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे और फार्मूले में पुटअप करा देंगे। क्लियर बात कि नहीं? ये सामने कन्फर्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। 10 जब द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज दिस 2, फाइंड द वैल्यू आपके। अब देखो इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने हमसे ये कह दिया कि भैया देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, इसका एक जीरोज दे रखा है और जीरोज दे रखा है, एक्स की वैल्यू 2 दे रखी है। तो कह रहा है कि एक्स अगर जीरोज है, इफ ये क्या है जीरोज है, अगर ये जीरोज है तो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, मतलब 2 रख दोगे तो 0 आएगा कन्फर्म 100%। तो k इंटू 2 का स्क्वायर 3 इंटू 2 एंड प्लस का k इज इक्वल टू 0। अगर कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है, कह रहा है कि ये इसका जीरोज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो वैल्यू हम लोग वहाँ पे पुटअप कर देंगे तो हमारा फाइनल कैलकुलेशन क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 के आ जाएगा, 3 टू जो 6 हो गया, प्लस का यहाँ पे k हो गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 4k प्लस का k दिस इज द 5k इज इक्वल टू माइनस का 6, तो k इज इक्वल टू माइनस का 6 अपॉन 5, तो माइनस का 6 अपॉन 5 आ गया। ओके तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ओके तो यहाँ पे दिमाग में रखिएगा कि अगर कोई भी वैल्यू दे रखा है कि हाँ ये इसका जीरोज है, ओके तो जीरोज है, तो वो वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में पुटअप कर दो और आंसर किसके बराबर कर दो, इक्वल टू 0। क्लियर हो गई बात, कन्फर्म? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। If 10 of the quadratic polynomial is माइनस का 4, then the value आपके। अब देखो इसमें भी वही सेम प्रॉब्लम है, इसमें भी वही क्या है सेम प्रॉब्लम है। तो k माइनस 1 का k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस का k x प्लस का 1, और यहाँ पे कह रहा है x इज इक्वल टू माइनस का 4, 10 है। तो जाहिर सी बात है हम लोग इसको थोड़ा एज्यूम कर लें, है ना, एफ एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, एफ ऑफ माइनस 4 क्या होगा 0 होगा। तो k माइनस का 1 इंटू माइनस 4 का स्क्वायर प्लस का k इंटू माइनस का 4 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, k माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर दिस इज 16 एंड माइनस का 4k प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो 16k माइनस का 16 माइनस का 4k प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ 16k माइनस का 4k कितना बचेगा 12k, ओके, एंड 16 माइनस का और प्लस 1 माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। 12k इज इक्वल टू 15 आएगा, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया 15 अपान 12 आ गया, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, तो 5 अपान 4 आ जाएगा। तो 5 अपान 4 हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा।
यस आर नो, क्लियर है कि नहीं। सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन कितना फास्ट कर सकते हो ये आप पर डिपेंड करता है। कि कॉन्सेप्ट सेम है कि अगर मान लो कोई भी यहाँ पे वैल्यू है और वैल्यू कह रहा है कि जीरोज है, तो जीरोज है तो जाहिर सी बात है उस पर्टिकुलर पॉलीनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पे हम एक्स के प्लेस पे -4 पुटअप कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर 0 के बराबर आ जाएगा। ओके, बात समझ आ गई कि आ गई, क्लियर है बात, कन्फर्म। ओके चलिए, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी ये सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे कुल मिलाकर के क्वाड्रेटिक को कैसे फैक्टराइज करते हैं, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाने वाली हैं, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन बहुत ही ईजी आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जाम में आपसे टफ पूछा जाएगा। ओके, थैंक यू।